पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद शर्मा जी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, 10 अक्टूबर से वो करनाल में सीएम साहब के एरिए से कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं विपक्ष जनता के समक्ष। करना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। विपक्ष की भूमिका निभाने में अब तक तो असफल था, खूब विपक्ष की भूमिका ना, पर किसान आंदोलन पर किसानों के साथ किसान राजनीति ना करो, अपनी भूमिका खूब ना, जो विपक्ष का जो भूमिका है वो निभानी चाहिए, पर किसानों को बरगलाने का काम ना करें। इतनी विनती है उनसे, हरियाणा सबका है, हरियाणा में कहीं से प्रोग्राम कर सकते हैं, पंचकुला से करें, करनाल से करें, फरीदाबाद से करें, रोहतक से करें, कहीं से। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अनिवार्यता जाहिर की है, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उन्हें पता ही नहीं है। अभी तो कांग्रेस का ये ना, कांग्रेस में रहेगा कौन, जाएगा कौन, प्रदेश अध्यक्ष है कौन, का जिलाध्यक्ष है, कांग्रेस तो बिखरा हुआ है, कांग्रेस का ये नहीं पता भाई। हमें नहीं पता भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, उनका भी तो यही तय नहीं पता कांग्रेस में कौन रहेगा कौन जाएगा। इलाहाबाद के उपचुनाव आ गए कि बीजेपी लड़ेगी, जेजेपी गठबंधन का कोई भी, जेजेपी लड़े बीजेपी लड़े, गठबंधन का प्रत्याशी होगा और इलाहाबाद चुनाव को जीतेंगे। पंडित जी, बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे कैंडिडेट पवन बेनीवाल तो कांग्रेस ही हो गए। वो कोई बात नहीं, कोई पवन बेनीवाल जी जहाँ है कोई बात नहीं, बीजेपी में बहुत लंबी लाइन है, हर प्रत्याशी है, हर आदमी जीतने वाला है, हर आदमी मजबूत है, जिसको टिकट देंगे वही चुनाव जीतेगा। अभी जींद में रैली हुई इनेलो की, इनेलो का दावा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए वो रैली मील पत्थर साबित होगी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उस मंच पर नजर आए जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इनेलो के बारे में ज़्यादा कहने की क्या, तो आपको पता, मुझे पता है क्या सत्ता परिवर्तन होगा या क्या परिवर्तन होगा, उसकी ज़्यादा उसके विषय में कहने की जरूरत। चौधरी वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी तो बहुत कुछ कहती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की तो अपने पंचायती आदमी, वीरेंद्र जी पंचायती आदमी कहीं जा सके ना, वीरेंद्र जी पंचायती हैं कहीं जा सकते। इससे पहले राव इंद्र जी ने दक्षिण हरियाणा में रैली की, जो रैली की उन्होंने संकेत दिए कि अब उनकी जो संघर्ष है, लड़ाई है, वो पानीपत से शुरू होगी, ये राजनीतिक बयान उनके बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, अपने राव इंद्र जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, और ओम प्रकाश हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, वो गए थे वहाँ। भारत बंद की बात करें, भारत बंद रहा, चक्का जाम रहा, रोडवेज का भी रहा, रोडवेज को कितना का नुकसान एक दिन में हुआ होगा? ये रोडवेज जब पूरी तरह बंद होती है 3.75 करोड़ के आसपास पर डे का घाटा होता है। पर पंडित जी, ये भारत बंद जैसी चीज़ों से आम लोग तो दुखी होते हैं। नहीं, ये तो कोई आंदोलन हो, कोई प्रदर्शन हो, कोई धरने हो, परेशानी तो लोगों को होती है, और लोग सफर भी करते हैं। पंजाब के अंदर खेल मंत्री बनाए गए हैं प्रगट सिंह जी, कि वो भी इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं किसी जमाने में, हरियाणा में पहले से हॉकी टीम के कप्तान संदीप सिंह हैं जो खेल मंत्री हैं, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? नहीं, ठीक है, खेल मंत्री को खेल का महकमा मिला है, ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, लाभ मिलेगा, और मिलना चाहिए, जिसको विधायक है उसको मंत्री मिले, खुशी की बात है। रोडवेज का जिक्र दोबारा करूँगा कि कितनी बसें फिलहाल आपके मैदान में हैं, कितनी अभी और जल्दी चलाई जा सकती है? धीरे धीरे 90% बस रोड पे हैं, 10% बाकी हैं, धीरे धीरे उनको भी हम चालू। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, हरियाणा के खनन मंत्री हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में इनका कहना है कि वो पंचायती आदमी है, इनेलो के मामले में ये कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं, इनका कहना है कि इनेलो का सबको पता ही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।